जाओ यहाँ से, जा रही हूँ कह रहे मुझे, मैं अपने से सेलिब्रेट के जा रहा हूँ। आगे 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 क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? कुछ नहीं कर। अम्मी, अम्मी मैं आपसे कहती थी ना, मैं कहती थी ना दोनों के बीच कुछ चल रहा है, कुछ है। कभी यकीन नहीं किया आपने मेरी बात का, रंगे हाथों पकड़े मैंने दोनों को। अल्लाह जान बात का बतंगड़ बना रही है, कुछ नहीं हुआ, झूठ बोल रही है। झूठ बोल रही हूँ मैं, झूठ बोल रही हूँ। तो सच क्या है? वो सच नहीं है जो आप मेरे आने से पहले इससे कह रहे थे, नहीं है वो सच। दोहराऊं मैं? क्या कह रहा था? क्या ताल्लुक है आप दोनों का? जो रूह का जिस्म से, दिल का धड़कन से, सांसों का जिंदगी से ऐसे बात करता है कोई? और ये क्या कहती थी मुझसे अम्मी, याद करें कि मेरे लिए पूरी दुनिया से टकरा जाएंगे। मैं यही समझती थी कि मुझे सब ना कर देंगी। पागल थी मैं जो उन पे यकीन करती थी। सब खराब कर दिया उन्होंने। तुम्हें कुछ कहना है शाहजहां? कुछ कहना है खाला जान? इनसे क्या पूछ रही हैं आप अम्मी? मैं बताती हूँ आपको, मुझसे पूछे इस प्लॉट के बारे में जो उन्होंने मेहरू जी के नाम में बहुत शौक से किया है। बीवी के बजाय साली से ऐसी मोहब्बत की मिसाल दे दी कि खामोश रहो। कैसे खामोश रहो? मैं क्या कर रही मेरे साथ? दिखती नहीं जा सकती। क्यों भेज रहे अगर मुझे आप लोग? मुझे इनसे क्या चाहती है? इससे पूछो, इससे पूछो, तुमसे ना पूछूं आयत, तुम क्या चाहती हो? क्यों करती हो बात में बात हंगामा? क्यों तमाशा बना देती हो अपना भी और हमारा भी? हमेशा ऐसी करती हैं आप, हमेशा ऐसी करती हैं आप, हमेशा ऐसी करती हैं। इनकी हर सही गलत बात में इन्हीं का साथ देती हैं। और मेरे दया इसका साथ गलत थी ये। जब इसने तुमसे वादा किया कि ये तुम्हारी शादी करवाएगी शाहजहां से, हट जाओ मेरे, हट जाओ, पीछे हटो, पीछे हटो। बहुत सुन ली मैंने तुम्हारी बात। गलत थी ये जब इसने अपनी बहन की खुशी के लिए शाहजहां से वो कुर्बानी मांगी जिसका हक नहीं था इसे। गलत थी ये जब तुम दोनों के बीच से हट जाने के लिए किसी से भी शादी करने को तैयार हो गई थी। गलत थी ये जब इसने अपनी सारी खुशियां तुम्हारी झोली में डाल दी। गलत थी ये जब उसके बाद भी ये मुस्कुराती रही ताकि तुम्हें कहीं पता ना चल जाए कि कितनी खाली कर दी है तुमने इसकी जिंदगी। गलत थी ये, और गलत है तुम्हारा शौहर जिसने सर झुका के इसकी हर बात मानी। मगर तुम सही थी, मजबूर कर दिया तुमने मुझे शुक्र अदा करने पर कि चले गए मेरे मासूम साहब। किसे मुझे झेलना पड़ रहा है ये सब? मुझे करने पड़ रहे ऐसे फैसले जिसमें मैं जानती हूं कि मेरी कोई बेटी खुश नहीं रहेगी। इस बच्चे का गुनाहगार बना दिया तुमने मुझे। लेकिन तुम सही हो, हम सब गलत है क्योंकि हम डर गए थे कि कहीं तुम्हें कुछ ना हो जाए। मैं डर गई थी कि कहीं तुम्हारी जान के ज़िया का जवाब ना देना पड़ जाए मुझे मासूम साहब को। तुम सही हो, सच ये है आयत कि अपने मुंह से एक लफ्ज निकालने का हक नहीं है तुम्हें, एक लफ्ज नहीं। क्या सोच रहे हो तुम? मान ली थी ना इसकी बात, तुम माने रहते ना, झुका दिया था सर तो झुका रहने देते। तुम जानते थे तुम्हारा छोटा सा गलत कदम हम सबकी जिंदगी धरम बरम कर देगा। क्या कर रहे हो ये सब? क्यों कर रहे हो?
खालाजान मुझे लगता है ये डिजर्व करती हैं वो प्लॉट। जिंदगी बर्बाद हो गई उनकी। मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है ये प्लॉट उनके नाम करने का। कोई शर्मिंदगी नहीं है मुझे। महरूजी के तो बस कर दो शाहजहां तुम। बस कितना समझाया मैंने तुम्हें, कितना रोका, कितना मना किया, तुमने मेरी एक बात नहीं सुनी। मैंने कहा था तुम्हें सब कुछ करने के लिए, मैंने कहा था पूछो मीस से, मैंने कहा था क्या इसको पहले मेरी मेरी दुश्मन हो गई, अम्मी मेरी कोई बात नहीं सुनती, मुझ पे इल्जाम लगाती। अब क्यों कर रहे हो ये सब कुछ तुम, क्यों कर रहे हो? क्योंकि मैं गुनहगार हूं आपका। और सिर्फ आप कहीं नहीं, मैं आपका भी गुनहगार हूं। बहुत बड़ा जुल्म हुआ है मुझसे। इतना बड़ा जुल्म के पता नहीं मेरा गुनाह खुदा भी कभी माफ करेगा या नहीं। आप लोग हमेशा पूछा करते थे ना मुझसे कि शादी में कौन आया था, किसकी वजह से मेहरू जी की जिंदगी बर्बाद हो गई। की वजह से मास्टर साहब चले गए, किसकी वजह से आप लोगों की जिंदगी अजीर्ण हो गई। कैसे मजाक में कसम खा के बोलता हूं, मैंने कभी खुद से नहीं चाहा। हम सब लड़के बातें कर रहे थे मेहरू जी के शौहर वो नईम ने सुन लिया सब कुछ। बहुत बड़ी गलती हो गई थी। मैंने कई बार कोशिश की कि मैं आप लोगों को आके बताऊं सब कुछ। खुदा की कसम मेरी जान निकल जाती थी जब मैं ये सोचता था ना। मुझे समझ में नहीं आता था मैं कैसे बताऊंगा आप लोगों को। आप लोगों ने मुझे इतनी इज्जत दी, इतना मान दिया, मैंने वो मान ही तोड़ दिया। आप लोगों के सर से छत छीन ली मैंने। मैं मानता हूं मैं आप लोगों का गुनहगार हूं। गुनाह हो गया मुझसे, माफी के भी काबिल नहीं हूं। जानता हूं आप लोग मुझे माफ नहीं करेंगे। आप लोग क्या मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा कभी। लेकिन फिर भी एक उम्मीद है मुझे। आप कहती थी ना मेहरू जी, जिसने भी आपकी जिंदगी बर्बाद की है को हाय लगेगी आपकी। मुझे लग गई आपकी हाय। एक सेकंड के लिए भी चैन नहीं आता मुझे। मैं खुशी नहीं हो पाता। जानता हूं मेरा गुनाह बहुत बड़ा है,
मैं जानता हूँ आप लोग कभी माफ नहीं करेंगे मुझे। आप लोग क्या, मैं शायद खुद भी अपने आप को माफ ना कर सकूं कभी। फिर भी आप लोग बहुत अच्छे हैं, इसलिए उम्मीद करता हूं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। आपकी मर्जी है, चाहे तो माफ कर दें या जो सजा देना चाहे दे लीजिएगा, मैं अब तक नहीं कहूंगा। हो सके तो माफ करना है गुनाहगार। आप बड़ी गलती हो गई मेरे लिए। ये बता दिया गया मुझे कि चुपचाप सबकी जिंदगी से दफा हो जाऊंगा। ये तो कभी जगह थी नहीं इस घर में, किसी की भी जिंदगी में कोई जगह नहीं थी। और आप क्या कर लिया आपने? आपने जो कहा जैसा कहा मैं वैसा करती गई, गिरा लिया मैंने खुद को सिर्फ ये सोच के कि शायद ये मेरा वहम हो, शायद ये मेरा वहम हो, लेकिन चली जाऊंगी मैं यहां से, जा रही हूं मैं इस घर से। इस दफा आपकी भी सुनूंगी। मत सुनना, मगर एक बात का जवाब देती जाना, क्या ये सब कुछ शाहजहां ने खुद कहा है तुमसे? तुम्हारी खुशियों की सबसे बड़ी दुश्मन तुम्हारी अपनी बहन है। ये सारा खेल वही खेल रही है और तुम जज्बात में आके अपना ही नुकसान करने चली हो। जानती हूं तुम शाहजहां से बहुत मोहब्बत करती हो, इसलिए तो अब तक रुकी नहीं हूं, कब की जा चुकी होती मैं। किसी को एहसास नहीं है मेरा, ये सारा चक्कर तुम्हारी बहन का चलाया हुआ है तुम्हें हराने के लिए। तुम मत हारना, मत हारना तुम। अपने जमीर के बोझ से आजाद होने के लिए करता रहा हो इसे, हम समझते रहे कि वो हमारी किसी नेकी का इनाम है, कितना मान था मास्टर साहब को शाहजहां पर। अच्छा हुआ ये सब देखने से पहले ही चले गए। मेरे मास्टर साहब का मान तोड़ दिया शाहजहां। कितने
न यकीन था उन्हें कि वो ख्याल रखेगा। किस दोहराए पे आ गई जिंदगी, किस पर एतबार करें हम? किसी पे एतबार नहीं कर सकते आप, किसी पे नहीं। अकेले है, बिल्कुल अकेले, किसी पे एतबार नहीं कर सकते हम।